शेर भी क्या कहता है, नबी तो शाह ही कोई नहीं। जो ये कहे नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकता, और नबियों को नहीं कहा कि तुम अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नबियों के मानने वालों को कहा कि जालिमों नबियों को खुदा ना बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रोज़ाना कोई ना कोई मौलवी या आलम इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करवा रहा है। अगर वो इल्मी बहस है फिर तो ठीक है, अगर वो इल्मी बहस नहीं है, बगैर दलायल सुने इंजीनियर साहब के वो बात कर रहे हैं, तो फिर वो आप खुद फैसला करें उस चीज़ों का। इसी तरह एक और मौलवी साहब हैं, हाफिज़ रमज़ान अज़हर नक्शबंदी साहब, इनकी जो वीडियो आई है अभी रिसेंटली इंजीनियर साहब के खिलाफ, काफ़ी इन्होंने तनकीद की है, और इनका वैसे भी अंदाज़े बयान जो है वो डिफरेंट ही है, कुछ पंजाबी में और उर्दू में जो मिक्सचर होता है इनकी अंदाज़े गुफ्तगू में वो इंतहाई अट्रैक्टिव होता है, इसलिए लोग भी सुनते हैं इनको। और आज की वीडियो में देखते हैं कि उन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ क्या क्या बातें की हैं और किस तरह उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। पहले भी बनाते रहे हैं, कई वीडियो उन्होंने अपलोड किए अपने ऑफिशियल चैनल पे, तो कुछ रिसेंटली अभी उन्होंने अपलोड की है इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियो, और बताया गया है कि इंजीनियर साहब ने ये गुस्ताखी की हैं। तो देखते हैं पहले वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। जेल भी क्या कहता है, नबी तो शाही कोई नहीं। इस जुमले पे मुझे बताओ, ये मेरे साथ बैठे हैं, लकीबे महफिल है, मैं इनको कह दूं उसी तो शाही कोई नहीं, क्या गुजरेगी तबीयत में? उनके बारे में कहती हूं शाही कोई नहीं, अब बताने लगा हूं नबी क्या कुछ है। हमारे बड़ों ने कहा नबी को खुदा नहीं कहना, इमाम मुसीरी ने लिखा खुदा नहीं कहना, खुदा का बेटा नहीं कहना, बाकी जो भी कहेगा तेरे नजर छोटे हैं, मुस्तफा का मकाम बड़ा है। तू कहता है वो, फिर अगला जुमला देखो, अल्लाह माफी अता करे, इस पकीज़ा महफ़िल के अंदर रूहानियत को मैं खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन इसलिए बताना चाहता हूं, ये सुन के भी अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं यार वो बात ठीक करता है, फिर उस पे भी लानत, तो उस पे भी लानत। जो ये कहे नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकता, जी तो उन्होंने ये छोटा सा बयान दिया था इंजीनियर साहब के खिलाफ तनकीद की थी, और भी कई दफ़ा वो इस तरह करते रहे हैं अपने बयानात में। और अब जो उन्होंने एक बात की थी कि नाउज़बिल्ला नबी तो शाही नहीं, या नबी नाउज़बिल्ला अपना तो पेशाब नहीं रोक सकते, वो किस तरह का क्लिप था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी, वो भी क्लिप आप इंजीनियर साहब का देखिए। और डिस्कस कर रहा था ना मैंने कुरान से, आप नबियों वाली तौहीद बयान किया कि जब नबियों को अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा किया जाएगा, फिर अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने कुरान में किस तरीके से एड्रेस किया है अपनी तौहीद को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये मैं बात कर रहा था कि ये कहते हैं जी फलां बाबे ने जो है वो समुंदर रोका हुआ है, तो मैंने कहा था कोई बड़े से बड़ा बाबा हो या कोई पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई शख्स अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। अगर आप ये समझते हैं कि ये कुफर है जुमला, तो ठीक है फिर आप इस जुमले को उलट करें कि बड़े बुजुर्ग भी और बड़े नबी भी बगैर अल्लाह की मर्जी के अपना पेशाब रोक सकते हैं, तो ये कहें इंशाल्लाह जाते हुए कुफर का फतवा आपको दे देंगे। आप कहेंगे नहीं ये तो नहीं कह सकते, फिर दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात किसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और नबियों को नहीं कहा कि तुम अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नबियों के मानने वालों को कहा कि जालिमों नबियों को खुदा ना बनाओ। कोई नबी बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता, कोई नबी बगैर नींद के जिंदा नहीं रह सकता, कोई नबी बगैर टॉयलेट के जिंदा नहीं रह सकता, ये मजबूरी है जो अल्लाह ने लगा दी उसके साथ। अल्लाह ताला इन मजबूरियों से पाक है, कुरान में अल्लाह ताला पता क्या कहता है, अल्लाह है जो सबको खिलाता है और खुद नहीं खाता। हाँ क्या कह रहा है अल्लाह, और फिर ईसा अपने मरियम का नाम लेके कह रहा है कि ईसा और उसकी मां रोटी के मोहताज थे, तो क्या अल्लाह ताला ये कह रहा है कि रोटी अफजल होगी ईसा से, जाओ अल्लाह से फतवा लाओ, जाओ जन्म इस। जी तो जी आपने छोटा सा क्लिप देखा इंजीनियर साहब ने किस तरह रिबटल किया उनको कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, और इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिन्होंने नहीं देखी वो उसको जरूर देखें ताकि उनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।